नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल सुबह के 10:30 के बाद आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से बहुत ही बड़े चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह 10:30 के बाद से भगवान श्री हरि विष्णु जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के कुंडली पर पड़ने वाली है, जिनसे दोस्तों साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी आप सभी के जीवन काल में दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और कल सुबह 10:30 के बाद से आपको जो जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, यकीनन आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपका नियत कभी नहीं डगमगाया, फिर भी आपने कभी भी हार नहीं माने हैं, बस ईश्वर पर यकीन करके आपने अच्छे कर्म किए हैं और दोस्तों उन्हीं का फल अब भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको देने वाले हैं और साक्षात आप सभी के जीवन काल में आकर आपको जो बड़ी घटनाएं देंगे, जो बड़ी खुशखबरी देंगे दोस्तों, सुनकर आपके भी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कल सुबह 10:30 के बाद से घरों की स्थिति में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से। आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप फूले नहीं समाएंगे जो जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। पर दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह बात को सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और भगवान श्री विष्णु जी आपको जो बड़े खुशखबरी देना चाहते हैं दोस्तों, वे सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कल सुबह 10:30 के बाद से आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, साथ ही कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही और अद्भुत ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपको हर निराश स्थिति में खुशी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों इन बातों को आप गौर से कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्या तुम्हारा गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए कभी भी मुश्किल परिस्थिति में जो भी परिस्थिति आपके जीवन काल में चले उनमें निराश नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, देखिए इशाद बात करते हैं कि कल सुबह 10:30 के बाद से जो ग्रहों का परिवर्तन होगा आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी होंगी और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा, समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों, और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद पुरोत करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे।
हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों, खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यशमय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों, बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी यशमय घर में मिल सकता है, जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों, किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी यशमय आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें। बेहतर होगा कि दोस्तों, घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों, पैसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें। खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है, उतनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में नहीं है। केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों, यशमय घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी यशमय बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों, अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों, उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप यशमय करें। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी यशमय प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, अपने द्वारा हुए कामों को, जो भी गलत काम थे आपके यशमय, उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपको बता दें, आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें। परिस्थितियां आपके लिए यशमय अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, जो है अपने स्वभाव या फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें, इसलिए आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े। दोस्तों, आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आपके व्यवसाय के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि यश में बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे, पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों, यश में किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यशमय ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यशमय कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों, बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आप फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके करियर के लिए समय होंगे। आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि व्यवसाय की स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी। थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके करियर के लिए समय होंगे। आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में अपने लक्ष्य की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको मिलने की संभावना बन रही है, यह समय मार्केटिंग और फिर संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होगी। आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित भी तथा खुश रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा। उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत तक ठीक होगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु दोस्तों लापरवाही भी बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।